अब जानती हैं कि हमने इस देश के लिए क्या क्या कुर्बान नहीं किया है। हमें आपके बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। किसने प्लीज हम पर भरोसा रखिए, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए सच्चाई बाहर लाने का। करिश्मा सिंह, हमारी बात पर भरोसा कीजिए प्लीज। काम डाउन, गन नीचे करिए। अरे आप इतना सोच कह रही है, मैडम सर जो कह रही है वो कीजिए ना। प्लीज कुछ नहीं किया। हाँ। मैं कुछ नहीं किया। बताओ क्या चक्कर है, कहाँ है संतु चितेश्वर, कहाँ है? मुझे संतु जी का पति बताकर किस मुसीबत में डाल दिया चिते? या वो जी की जासूसी ने नाक में दम करके रखा है, वह खुद मूवी देख रहा है। ड्यूटी पे गए, पिक्चर देखने गए, झूठ बोल रहा है। हाँ, जन्म जन्म का साथ। हाँ? नहीं नहीं वो नहीं, ये तो पुलिस की कार्रवाई में मदद करते हैं, डिटेल इनको पता नहीं है। क्या हो रहा है चंपक चिरोड़िया, तुम यहाँ लफंगों के साथ चौराबाजी कर रहे हो और वो पत्नी अपने दोस्त के साथ पिक्चर देख रही है, कुछ समझाओगे? बुआ मैं तो समझा दूंगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों? ऐसा है कि लोगों को लगता है चीता एंड संतोष पिक्चर देखने गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, वो गए हैं केस की तफ्तीश करने, छानबीन करने। लोगों की नजर में पिक्चर और पुलिस की नजर में केस। तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है या हमें ही लग रहा है तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं, मेरी शक्ल ऐसी है लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। बक्सी भैया होते तो कहते कुछ तो गड़बड़ है। चलो आ जाओ घर पे, आ जाओ। हाँ, बाजी बहुत अच्छी है ना। आ जाते हैं। ए बिल्ले पकड़ो। और तू चोर निठल्ले के घटिया इंसान, जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। बदनामी बताओ, संतु जी के दिन पर बहन बहन बोलता है, हर राखी पर राखी बदवाता है फ्री में मिठाई खाने के लिए, इतनी घटिया नहीं छेड़ते? अरे कभी ना, तुम दोनों घटिया हो, बागड़ बिल्लो हो। अरे क्या सोच रहे हो तुम? अरे मैं तुमको सच बताता हूँ। देखो तुम किसी को बताओगे नहीं, कसम खाओ। तुम्हारी कसम किसी को नहीं बताएंगे हम, मर जाओ। अच्छा मतलब एक डायरेक्टर के कहने में आकर आपने इस बात को मान ही लिया कि करीना ही वो टेररिस्ट है जो यहाँ पर आई है और इस पूरे मिशन को जो है कामयाब करने वाली है। करिश्मा सिंह, एक बार आप हमसे बात कर लेती, हमसे क्रॉस चेक कर लेती, करीना से पूछ लेती, या कम से कम खुद पेशेंटली इस बारे में समझ के फिर इस सिचुएशन को हैंडल करती, ऐसा कुछ कदम उठाने से पहले। मैडम सर, उस वक्त हमारी जगह कोई भी होता वो यही समझता सच में। और इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया है कि ये जो शूटिंग है ये महज एक ड्रामा है, एक नौटंकी है असली मकसद छुपाने के लिए। ये सब आतंकवादी है मैडम सर, और जो डायरेक्टर है ना वो साफ साफ एक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, और आतंकवादी का जो मास्टरमाइंड है उससे डायरेक्ट संपर्क करता मैडम सर। वो फोन पर बोल रहा था कि करीना जो है वो सुसाइड बॉम्बर है। उस वक्त कोई भी वहां पे खड़ा था तो वो यही समझता ना कि ये सुसाइड बॉम्बर है और ये उन लोगों से मिली हुई है, ये भी आतंकवादी है। पर मैं ऐसा क्यों करता सिस्टर? मैं यहाँ पे सुपरस्टार बनने आया, आसमान में स्टार नहीं बनने आया। मुझे क्या जरूरत होता सुसाइड बॉम्बर बनने का? मेरे को मेरा जान बहुत प्यारा, खुद के ओन ब्लड पे तुम बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता ना। हाँ तो कैसे करते, तुम पे कैसे बिलीव करते हम? हाँ, जो बहन अपनी बहन के भविष्य के लिए जो जमा पैसे वो लेकर भाग गई थी अपना सपना पूरा करने के लिए, इतनी स्वार्थी लड़की पे हम कैसे ट्रस्ट कर लेते बताओ? तुमने आज तक बहन होने का, बेटी होने का कोई भी फर्ज निभाया, कोई भी धर्म निभाया जो हम तुम पे विश्वास करें? जब भी तुम्हारा शकल देखते ना करीना, हमें तुम्हारा वो स्वार्थ याद आता है। आज तक तुमने कभी भी पलट कर देखा कि हम और बाबूजी कैसे थे उस टाइम पे, कैसे जिए भी हैं या मर गए? कभी नहीं देखा? हाँ, बहुत ब्लड ब्लड ओन ब्लड का बात करती हो ना तुम। तुमने क्या किया है अपने ब्लड के लिए? हाँ, जो हम तुम पे विश्वास करें। काश कि आपको सच्चाई के बारे में पता होता करिश्मा सिंह, काश आप इस बात को जानती कि करीना ने एक बेटी का फर्ज निभाने के लिए और एक बहन का फर्ज निभाने के लिए क्या क्या किया है और क्या क्या सहती आई है। सीना सुंदरी, तुम मुझको प्रॉमिस किया था तुम? नहीं करीना, वादे से बढ़कर हमारे लिए फर्ज है और हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। करिश्मा सिंह, आपको याद होगा कि जब आप पुलिस की ट्रेनिंग के लिए गई थी तब आपके पिताजी की
तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर ने यह सजेस्ट किया था कि उन्हें ठीक करने के लिए एक मेजर ऑपरेशन करना होगा जिसमें अच्छे खासे पैसे लगेंगे। हम जानते हैं कि आपने पैसे इकट्ठा करने की बहुत कोशिश की, हर तरीके से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई मदद आपको मिली नहीं। जैसे तैसे आप भागते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंची अपने पिताजी से मिलने, तब आपको पता चला कि उनका ऑपरेशन तो ऑलरेडी हो चुका है। ऑपरेशन भी हो चुका है, उनकी तबीयत ठीक भी हो चुकी है, और एक अनजान डोनर ने आकर पैसे डोनेट किए थे इस ऑपरेशन के लिए। जी, वो डोनर और कोई नहीं, आपकी बहन करीना थी। करीना ने अपने पिताजी के ऑपरेशन के लिए अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी। उसके बाद भी जब पैसे कम पड़े तो उसने उधार मांगे, कर्जा लिया। और जानती है ये फिल्म करीना के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी फिल्म के पैसे से ये अपना कर्जा चुकाने वाली थी जो इन्होंने अपने पापा के ऑपरेशन के लिए लिया था। ये बात हमें खुद करीना ने बताई, लेकिन हमने भी जब अपने लेवल पर इसे क्रॉस चेक किया तो ये बात 100% सच है। हमने करीना से वादा किया था कि ये बात हम कभी किसी को नहीं बताएंगे, आपको तो हरगिज नहीं, पर हम ये बात आज आपको बताना बहुत जरूरी समझते हैं ताकि आपको फाइनली समझ में आए कि करीना कितनी अच्छी बहन और कितनी अच्छी बेटी है। इसने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं और न जाने क्या क्या झेला है। आपको इन पर फक्र होना चाहिए करिश्मा सिंह। कुछ यूं जिंदगी का दस्तूर निभाते रहे, सब सहते रहे, फिर भी मुस्कुराते रहे। अय्या मां, वो डायरेक्टर का मैसेज आया, वो आगे का क्लाइमेक्स आ गया है। क्या? उसमें वो सुसाइड बॉम्ब बनके किसी क्राउड प्लेस पे जाना है और वहां जाके ब्लास्ट करना है ताकि विलन और उसके सारे साथी मर जाएं। कहां करने वाले शूट? लोकेशन क्या है? इसमें लिखा कि वो एक घंटा पहले बताते। वो गोरिल्ला शूट करता ना, गोरिल्ला शूट मतलब वो रियल लोकेशन में जाके रियल पीपल के बीच में वो ब्लास्ट करता और सब रियल होता, वो कैमरा छुप के कैप्चर करता, ऐसा मतलब ये शूटिंग लैंग्वेज होता गोरिल्ला शूट, वो करता। यही है इनका फाइनल प्लान करिश्मा सिंह, इसी तरीके से अपने इस मिशन को ये अंजाम देने वाले हैं। यही इनका शुरुआत से प्लान था कि करीना को सुसाइड बॉम्बर बनाकर वहां भेजिए और ब्लास्ट कर दीजिए। सोचिए, अगर हमें पता नहीं चलता तो ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती और करीना की भी, और इस बेचारी को तो पता भी नहीं कि इसके साथ क्या हुआ है। बहुत बड़ा बवंडर हो गया हमसे। जिंदगी भर हम जिसे नकारा निकम्मा समझते रहे, वो तो क्या कमाल का चीज निकला। बड़ी बहन हम हैं, लेकिन तुमने बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया। कितना कोसते रहे, क्या कुछ नहीं कहते रहे, लेकिन तुमने कभी भी हमें पलटकर जवाब नहीं दिया। हम तुम्हें जिंदगी भर बोलते रहे कि तुम हीरोइन नहीं बन सकती, आज हम तुमसे बोलते हैं कि तुम रियल लाइफ हीरो हो, तुम ही असली हीरो हो। तुमने जो किया ना, वो कोई नहीं कर सकता। करीना, बहुत गर्व है और हमें माफ कर दो। देखिए प्लीज, हम आप दोनों के जज्बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन हमें फिलहाल एक बॉम्ब ब्लास्ट रोकना है। जी मैडम सर। ओके, तो इसलिए बेहतर होगा कि फिलहाल हम काम पर ध्यान दें। ओके, करीना एक बात बताओ, क्या तुम प्रोड्यूसर से मिली हो? उसका चेहरा देखा है? यस। ओके, क्या नाम है उसका? टोनी चोपड़ा। परफेक्ट। करिश्मा सिंह जी, स्केच आर्टिस्ट को बुलाइए। अब ये केस करीना के जरिए ही सॉल्व होगा। आओ। नमस्ते। हाय। बैठो और विस्तार से बताओ कि वो इंसान कैसा दिखता था। ठीक है, बता। जी बोलिए मैम। उसका नाक एकदम लंबा तोते जैसा था। तो ओके। और उसका आंख ना एकदम गोल गोल, वाइट वाइट, बड़ा बड़ा, एकदम उल्लू का नहीं होता। ठीक है, एक मिनट।
चेहरा एकदम राउंड राउंड गोल गोल होता। बाल कैसे थे? बाल उसका स्ट्रेट होता। के हिसाब से कुछ ऐसा होलिया कुछ बन रहा है। क्या है ये, क्या बना दिया आपने? इंसान बनाना था, एलियन नहीं। अरे तो आप भी इंसानों वाली होलिया बताइए ना। हाँ शान 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 समझ रहे हैं हम। देखो जब तक आप अच्छा स्केच नहीं बनाओगे यहाँ से जा तो नहीं पाओगे, तो कोशिश करते रहिएगा, क्या पता अगली बार अच्छा अच्छा बन जाए स्केच। ठीक है तो फिर जल्दी बताइए, मुझे और भी काम है। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि वो लोग करीना को सुसाइड बॉम्बर बनाकर भेजने कहां वाले थे। अगर हम इन लोगों के इस प्लान को नाकाम करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि इनका पूरा प्लान पहले हमें पता चले। हाँ लेकिन मैडम सर वो हमें कैसे पता चलेगा? एक आइडिया है हमारे दिमाग में, अगर ये आइडिया काम कर जाता है तो हम सीधा उस तक पहुँच जाएंगे जो इस सबका मास्टर माइंड है। मास्टर माइंड हमारी गिरफ्त में होगा तो प्लान तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम उसे कुछ करने लायक नहीं छोड़ेंगे। और वो कैसे होगा मैडम सर? आप कल शूटिंग पर जाइए, क्योंकि इस आदमी तक पहुंचने का बस यही एक तरीका है। ये देखिए मैडम। हाँ बेबी, तो आज विलन के अड्डे का एक्शन सीक्वेंस शूट करेंगे। एक तरफ विलन की इलीगल प्लानिंग चल रही है और दूसरी तरफ से तुम हाई स्पीड शॉट से आती हो With your black goggle, ठीक है? और आते ही विलन के गुंडों को पीटना शुरू कर देती हो। पीटता क्यों? ये बिजली रानी तो पुलिस ऑफिसर होता ना, उसके पास तो सर्विस गन होता, तो वो तो सर्विस गन से नहीं, बिजली रानी तो गन घर भूल आई है। सर्विस गन है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है जो घर पर भूल आई है। सर्विस गन पुलिस ऑफिसर कभी घर पे भूल के नहीं आता। बेबी सिनेमेटिक लिबर्टी, पहले भी तो बताया था ना, ऑडियंस यही चाहती है। ट्रस्ट मी, क्लाइमेक्स देखते ही पब्लिक एक ही बात बोलेगी, बकवास। अयो माँ एकदम बकवास वायर फालतू होता। इतना खराब क्लाइमेक्स मैडम। अयो अम्मा हम तुम्हारे क्लाइमेक्स के बारे में नहीं बोलता, अब तुम्हारे बाथरूम के बारे में बोलता। कितना बदबूदार, कितना वाहियत, कितना बकवास बाथरूम होता। कोई भी इंसान 2 सेकंड अंदर नहीं बैठ सकता। ये ऐसा ऐसा बाथरूम देता तुम अपने कलाकारों को? ऐसा ट्रीटमेंट देता तुम? व्हाट द हेल, प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रवीण, अरे कौन है ये हैं? इस जूनियर आर्टिस्ट को किसने बुलाया और आपकी हिम्मत कैसे हुई बेबी के मेकअप रूम में घुसने की? जूनियर आर्टिस्ट के लिए अलग से प्रोडक्शन ने मेकअप रूम दिया है, तो वहां जाना था ना। अयो अम्मा ये नाराज गला, तुम अब जूनियर आर्टिस्ट नहीं होता। एक्टिंग में हम इसका आपका और रियल लाइफ में इसका अम्मा। मैं तुम्हारी हीरोइन का अम्मा। हां ये तुम्हारा वाहियात प्रोडक्शन और हमारा प्रोडक्शन देखो कितना ब्यूटीफुल होता। नहीं करना, नहीं करना हमारी बेबी को तुम्हारे ऐसे मैनरलेस प्रोडक्शन हाउस में का, जिसमें जिसमें एक्टरों का कोई कीमत नहीं होता। चलो बेबी चलो चलो। अरे कर 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 कर, जहाँ मेरी मम्मा का वैल्यू नहीं वहाँ मुझे काम नहीं करना होता। नहीं करना, चलो अब। ओह माय गॉड, ये आपकी मम्मा है, पहले क्यों नहीं बताया? लगी नहीं रही है इतनी यंग और फिट, आपकी बड़ी बहन लग रही है। हेलो मैम, मैं फिल्म डायरेक्टर यश कपूर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमको भी। नो 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 इल्ले, अब बस का मत मारना, हमारा बेबी ये फिल्म नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। और वैसे भी तुम क्लाइमेक्स में हमारी बेबी, सुंदर बेबी, ब्यूटीफुल बेबी को सुसाइड बॉम्बर बनाता, इसका इमेज का क्या होता? उसके फैंस नाराज होता, उसका पूरा करियर स्पॉइल हो जाता। नहीं करेगा हमारी बेबी ये फिल्म, नहीं करेगा, माने नहीं करेगा। चलो सिर्फ एक मिनट, हेलो हेलो सर, सर एक प्रॉब्लम हो गई है। जी सर समझ गया सर, ओके 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 सर। कैरी तुम ये फिल्म नहीं करना चाहती तो ठीक है, बट हमारे प्रोड्यूसर सर आपसे एक छोटी सी मीटिंग करना चाहते हैं, उसके बाद जैसा आपको ठीक लगे। आई इंसिस्ट, प्रोफेशनल एथिक्स भी कोई चीज होती है ना, प्लीज। अयो अम्मा इल्ले बोला तो इल्ले इल्ले मतलब इल्ले, नहीं करेगा हमारे। One last meeting.
सिर्फ यश के लिए। अयो चलो अब तुम बोलता तो ठीक। ओके अम्मा ओके बोला। थैंक यू चलो चलो रेडी हो जाओ। जी मैडम सर जय हिंद। जय हिंद करिश्मा सिंह। जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इनको थोड़ा सा डराया धमकाया थोड़ा सा पिक्चर छोड़ने का धमकी दिया तो बोलो ना हमने अभिनय कैसे। पुष्पा जी ने बहुत अच्छा अभिनय किया। जैसे उनको डराया तो उनके गुब्बारे फूल गए डर गए सख्त कहा गए और हमें प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग फिक्स करा दिया। गुड तो क्या सोचा है आपने क्या करेंगे इस देशद्रोही का। उन्होंने हमारी बहन के साथ जो किया मैडम सर आपको क्या लगता है उसके बाद हम क्या करेंगे। उसकी मासूमियत का फायदा उठाया उसको सुसाइड बॉम्बर बनाकर उसकी जान लेने का कोशिश किए उनकी खोपड़ी में ना ऐसा सब गोली डालेंगे और इनके पर खच्चे ना उड़ा दिया ना तो हमारा नाम करिश्मा सिंह ने। मारिए गोली करिश्मा सिंह हम भी आपको नहीं रोकेंगे। हमारी तरफ से एक और मारिएगा ताकि हम भी चैन की नींद सो पाए। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। आइए मैडम यहाँ पर बैठिए सर जी आते होंगे। जी जी वेलकम वेलकम वेलकम। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज प्लीज हैव अ सीट। भाई साहब टॉनी टॉनी चोपड़ा फिल्म का प्रोड्यूसर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम कभी वैसे हम तुमको एक बात पूछने को होता। ये जो तुम्हारा घर है ये घर भी तुम शूटिंग के लिए देता किराए पे क्यों क्या हुआ? इतना सारा लोग बाहर भी अंदर भी गन के साथ खड़ा होता तो हमको लगा कि इधर भी एक्शन फिल्म का शूटिंग होता। नहीं 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 ये सब असली गार्ड्स हैं इनकी बंदूकें भी असली हैं। अयो अम्मा ये सब मेरी प्रोटेक्शन के लिए है। वो क्या है ना कि आजकल अमीर बनना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या ये सब छोड़िए आप ये बताइए बेबी कि आप फिल्म क्यों छोड़ रही हैं? इनको क्या पूछता इनको क्या पूछता अम्मा बता अब इसका अम्मा अक्का हमारा बेबी देखो तो कितना भोला कितना नादान जहाँ बोला वहाँ साइन कर दिया चिल्लर जैसा पैसा में पूरा फिल्म साइन कर दिया। मैं शहर से बाहर क्या गया तुम हमारे बेबी के पास उम्मीद का फायदा उठाया। यहाँ चाय से ज्यादा केतली गरम है। जी जी गर्मा गर्म चाय आ गई प्लीज दीजिए ना। ठीक है मैम फिल्म जो है वो 90% कम्प्लीट हो चुकी है थोड़ा बहुत पैच वर्क बाकी रह गया है तो अगर ऐसे में बेबी फिल्म छोड़ती है तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो मैम आप ही बताइए कि ऐसे में मैं क्या करूं कि ये फिल्म भी कंप्लीट हो जाए और मेरा नुकसान भी ना हो और आपका फायदा भी हो जाए। अब मेरे पास एक आइडिया ऐसा करते हैं कि मैं बेबी की जो पेमेंट है वो डबल कर देता हूं क्या कहती हैं आप? पहुंचेगा और शूटिंग करेगा। मैडम सर एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जो आपको देखना चाहिए। बताओ। ये देखिए फिल्म प्रोड्यूसर टोनी चोपड़ा का स्केच जब हमने हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच किया तो मैच नहीं हुआ लेकिन जब हमने इसे मॉडिफाई किया दाढ़ी मूछ लगाया विग लगाया बेसिकली गेटअप चेंज करने के बाद जब मैच किया ना मैडम सर मैच मिल गया। और क्या मिला ये आप देखिए। ब्लैक टाइगर टेररिस्ट ग्रुप का कमांडर आरडीएक्स। हाँ मैडम सर आज तक देश में जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई है आधे से ज्यादा इसकी वजह से हुई है। एग्जैक्टली
हजारों लोग इसके अंडर काम करते हैं, इसके एक इशारे पर किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। और रिकॉर्ड के हिसाब से मैडम सर, आज तक इसने जितने भी बॉम्ब प्लांट किए ना, सारे के सारे ब्लास्ट होकर रहे हैं। ये देखिए, इंटरपोल के खास निशाने पर है मैडम सर, 52 कंट्रीज में वांटेड है, 17 में बैन है। जाहिर सी बात है कि छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है मैडम सर, आई एम श्योर यहाँ पर भी बहुत सारे लोग होंगे जो इसके अंडर काम करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये टोनी चोपड़ा को मारना इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, इसे मारना मतलब मौत के पेड़ में एक छोटा सा पत्ता काटना जैसा हुआ। संतोष शर्मा बिल्कुल सही कह रही हैं और इस मामले को हमें जड़ से खत्म करना होगा। हमें इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, इसके पूरे नेटवर्क को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ना होगा। मारिए गोली करिश्मा सिंह, हम भी आपको नहीं रोकेंगे। हमारी तरफ से एक और मारिएगा ताकि हम भी चैन की नींद सो पाए। करिश्मा सिंह, हमने करिश्मा सिंह को कह दिया है कि वो प्रोड्यूसर को मार दे।